हॉलीवुड डायरी में आपका स्वागत है। हालिया रिलीज हुई एक पाथ ब्रेकिंग हॉलीवुड मूवी द जोकर की ये लाइन, द वर्स्ट पार्ट ऑफ हैविंग अ मेंटल इलनेस इज पीपल एक्सपेक्ट यू टू बिहेव एज इफ यू डोंट, आज की दुनिया पर 100% लागू होती है। और आज हॉलीवुड डायरी में हम इसी मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। वैसे तो इस मूवी के डायरेक्टर ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले इस तरह से लिखा है कि व्यूवर्स इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी घटनाएं इस फिल्म में सच में हुई हैं और कौन सी सिर्फ ऑथर की इमेजिनेशन है। लेकिन हमें लगता है कि इस फिल्म में दिखाई गई कई बातों की असलियत आने वाली हॉलीवुड मूवी द बैटमैन में क्लियर होंगी। द बैटमैन 2021 में रिलीज होने जा रही है, जिसमें रॉबर्ट पैटिंसन बैटमैन का किरदार निभाएंगे। हम वापस से फिल्म जोकर पर आते हैं। जोकर फिल्म का डायरेक्शन टॉड फिलिप्स ने किया है और इसके अलावा टॉड फिलिप्स ने स्कॉट सिल्वर के साथ मिलकर इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा है। और इसके अलावा डायरेक्टर टॉड फिलिप्स ने हमारी सोसाइटी का असली चेहरा जिस तरह से हमारे सामने रखा है वो भी बहुत काबिले तारीफ है। जोकर मूवी में यह दिखाया गया है कि हमारी सोसाइटी दो भागों में बटी जा रही है, एक जिसमें पैसे वाले अमीर लोग हैं और दूसरा जिसमें गरीब लोग हैं। इस मूवी के शुरुआती सीन में हम देखते हैं कि इस फिल्म का मेन कैरेक्टर आर्थर जोकर का मेकअप कर रहा होता है और बैकग्राउंड में न्यूज चल रहे होते हैं जिसमें शहर के बिगड़ते हालात, बढ़ती कीमतें, महंगाई आदि का जिक्र हो रहा होता है। लेकिन सोसाइटी में क्या होगा इसका निर्णय सिर्फ अमीरों के हाथों में है, जिस कारण अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीबों को एक नॉर्मल लाइफ जीने में भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। फिर आर्थर जब एक साइन बोर्ड के द्वारा किसी कंपनी का ऐड कर रहा होता है तो वहाँ कुछ लड़के आ जाते हैं और उसका साइन बोर्ड छीनकर भाग जाते हैं। जब आर्थर इन लड़कों का पीछा करता है तो आर्थर को बहुत मारते हैं और उसका साइन बोर्ड भी तोड़ देते हैं। और इसके बाद आर्थर जब ऑफिस जाता है तो उसका बॉस उसके साथ सहानुभूति दिखाने की बजाय आर्थर को डांटता है, यहाँ तक कि वो इस बात को भी मानने से इनकार कर देता है कि लड़कों ने उसे मारा और उसका साइन बोर्ड तोड़ दिया। आर्थर का बॉस उसे जलील करते हुए बोलता है कि यदि वो साइन बोर्ड वापस नहीं लेकर आया तो वो उसकी सैलरी में से उसके पैसे काट देगा। इन सब बातों से आर्थर बहुत ज्यादा हर्ट और दुखी हो जाता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि आर्थर तब भी एक अच्छा इंसान होता है। उसी दौरान जब आर्थर को उसका कलीग रैंडल उन लड़कों के बारे में बुरा बोलता है तो आर्थर बोलता है कि वो सिर्फ कुछ बच्चे थे। यहाँ हम देखते हैं रैंडल आर्थर को गन देता है जो आर्थर लेने से मना कर देता है। लेकिन जब रैंडल उसे सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए गन रखने को बोलता है तो आर्थर ये गन रख लेता है। दूसरी तरफ जब आर्थर बस में ट्रैवल कर रहा होता है तब वो एक बच्चे को हंसाने की कोशिश करता है जो उसके अंदर की ह्यूमैनिटी को दर्शाता है। लेकिन उस बच्चे की माँ आर्थर के साथ बहुत ही रूड बिहेव करती है और फिर आर्थर को अपने आप हंसी आ जाती है और वो चाहकर भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाता। आर्थर उस लेडी को एक कार्ड देता है जिसमें आर्थर के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित होने के बारे में लिखा होता है। इस बीमारी के कारण आर्थर को कभी भी हंसी आने लगती है और वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाता। यहाँ तक कि जब आर्थर बहुत दुखी होता है तब भी उसे अचानक हंसी आने लगती है। आर्थर के सर पे चोट लगने के कारण वो इस बीमारी से पीड़ित था। आर्थर अपनी बीमारी के इलाज के लिए सोशल सर्विसेज पर डिपेंड करता था। हम फिल्म में देख सकते हैं कि आर्थर इतना हर्ट और दुखी होता है कि जब आर्थर साइकोलॉजिस्ट से मिलता है तब भी वो उसे बोलता है कि वो डॉक्टर को बोल के उसकी मेडिसिन को और बढ़ा दे ताकि उसे थोड़ा अच्छा फील हो, जबकि वो ऑलरेडी 7 अलग अलग तरह की दवाइयां ले रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब आर्थर घर जाता है तो वो हमेशा लेटर बॉक्स चेक करता है और उसकी मॉम हमेशा उससे पूछती है कि क्या थॉमस वेन्स का कोई लेटर आया या नहीं। आर्थर की मॉम पेनी फ्लैग ने थॉमस वेन के घर पर 30 साल नौकरी की थी और उसे ऐसा लगता है कि यदि थॉमस वेन को उसके और उसके बेटे के हालात के बारे में पता चलेगा तो उसकी हेल्प जरूर करेंगे। पेनी आर्थर को लेकर बहुत ही चिंतित रहती थी। यहाँ हम देखते हैं कि आर्थर के बहुत ज्यादा दुबले होने पर भी बहुत चिंता जताती है। इसी दौरान हम टीवी पर न्यूज भी देखते हैं जिसमें वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ की बिगड़ती हालात का जिम्मेदार चूहों को बताया। अगर आप आज के हालात से इसे कंपेयर करेंगे तो इसे बिल्कुल सही पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट आज किसी भी चीज के बिगड़ते हालातों पर कुछ भी स्टूपिड सा बयान दे देती है। और फिर मरे फ्रैंकलिन का शो स्टार्ट हो जाता है
बेनी और आर्थर मरे के बहुत बड़े फैन हैं। यहाँ तक कि आर्थर मरे को अपना आइडल मानता है और वो उसको देखकर ये कॉमेडियन बनना चाहता है। आर्थर के साथ उसके डैड नहीं थे, इसलिए मरे उसके लिए एक फादर फिगर भी था। इसके बाद हम देखते हैं कि जब आर्थर का बॉस उसे साइन बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा जलील करता है और आर्थर बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, तब वह घर पहुँचता है। उसे लिफ्ट में एक लड़की सोफ़ी दिखती है जो उसी बिल्डिंग में रहती है। सोफ़ी एक सिंगल मदर होती है और आर्थर उसे देखकर अट्रैक्ट हो जाता है। फिर आर्थर जब घर जाता है, उसकी मॉम उसे फिर थॉमस वेन के बारे में पूछती है। उसकी मॉम थॉमस वेन पर बहुत बिलीव करती है। आर्थर अपनी मॉम को समझाता है कि वो एक बहुत रिच इंसान है, तो वो हमारी सहायता क्यों करेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि आर्थर सोफ़ी को फॉलो करता है और फिर रात में सोफ़ी उसके घर आती है और उसे बोलती है कि आज तुम मुझे फॉलो कर रहे थे। यहाँ हमें थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि आर्थर के हाँ बोलने पर सोफ़ी गुस्सा होने की बजाय आर्थर से इम्प्रेस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आर्थर एक हॉस्पिटल में जोकर बनकर बच्चों का मनोरंजन कर रहा होता है और तभी उसके पॉकेट से गन जमीन पर गिर जाता है और फिर आर्थर को उसके जॉब से निकाल दिया जाता है। यहाँ आर्थर अपने बॉस को समझाने की कोशिश करता है कि यह गन एक प्रॉप था जो वो अपने परफॉर्मेंस में यूज करने वाला था। तभी उसका बॉस उसे बोलता है कि रैंडल ने उसे बता दिया है कि तुमने लास्ट वीक ये गन खरीदा था। इस बात से आर्थर बहुत हर्ट हो जाता है क्योंकि रैंडल ने ही उसे ये गन दिया था, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि रैंडल ने झूठ क्यों बोला। आर्थर बहुत दुखी होता है और ट्रेन में जा रहा होता है, तभी वहाँ वेन एंटरप्राइजेस के 3 एम्प्लॉयज ट्रेन में चढ़ते हैं। वो उस ट्रेन में बैठी एक लड़की को छेड़ते हैं। तभी आर्थर को अचानक हंसी आने लगती है। वो तीनों आर्थर को मारने लगते हैं। उन्हें लगता है कि आर्थर उनका मजाक उड़ा रहा था। वो आर्थर को कुछ बोलने का मौका दिए बिना ही उसे मारते जाते हैं। तभी आर्थर उन तीनों को गोली मार देता है और फिर आर्थर डर के भागता है। आर्थर भागते भागते एक वॉशरूम में चला जाता है और फिर वहां नाचने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि आर्थर उनको मारकर डरने के बजाय अच्छा फील करने लगता है। वो मर्डर को एंजॉय कर रहा होता है। इस घटना से हमें पता चलता है कि आर्थर जो पहले से ही अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था, सोसाइटी ने उसका और शोषण किया। जहाँ सोसाइटी को उसकी हेल्प करनी चाहिए थी, वहाँ सोसाइटी के लोगों ने हर जगह उसका उत्पीड़न किया और वो एक अच्छे इंसान से फाइनली एक साइकोपैथ क्रिमिनल जोकर बन गया। इसके आगे के सीन में हम देखते हैं कि थॉमस वेन्स का न्यूज चैनल में इंटरव्यू आ रहा होता है, जिसमें वो ट्रेन में मारे गए उन 3 वेन एंटरप्राइजेस के लोगों को अच्छा इंसान बताता है। वेन बोलता है कि उसे आश्चर्य हो रहा है कि लोग उस जोकर का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं जो एक डरपोक और मास्क के पीछे छुपा हुआ है। यहाँ हम देख सकते हैं कि आर्थर इन मर्डर्स को एक अचीवमेंट की तरह फील करने लगा था, क्योंकि अब शहर में कई लोग आर्थर को हीरो मान रहे थे और थॉमस वेन भी एक लाचार इंसान की तरह सिर्फ इस पर बयान ही दे पा रहा था। इसके बाद आर्थर साइकोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन ले रहा होता है और वो उसे बोलती है कि ये उसकी और आर्थर की लास्ट मीटिंग है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सोशल सर्विसेज का बजट कट कर दिया है, इसलिए अब गरीब लोगों की मेडिसिन और स्वास्थ्य का बजट भी खत्म हो गया है। उसी दौरान हम देखते हैं कि आर्थर साइकोलॉजिस्ट को बोलता है कि तुम हमेशा मुझसे क्वेश्चन करती हो कि मुझे नेगेटिव थॉट्स तो नहीं आते, लेकिन तुम कभी भी मुझे नहीं सुनती। मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो नेगेटिव थॉट ही तो है। इससे ये साफ पता चलता है कि जरूरतमंदों को स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी चाहिए और दूसरा, वो सुविधा सही स्टैंडर्ड्स की भी होनी चाहिए। ये सुविधा सिर्फ दिखावे की सुविधा नहीं होनी चाहिए और शायद आर्थर की मेडिसिन का बंद होना भी उसे और ज्यादा क्रिमिनल साइकोपैथ बनाने की ओर धकेलता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि आर्थर एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन उसे हंसी आने लगती है और वो अपने डायलॉग सही टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाता। सोफी भी वहां होती है जो आर्थर के जोक्स को एंजॉय करती है और फिर वो लोग साथ में वॉक करते हैं। इसके बाद जब आर्थर घर पहुंचता है तो उसकी मॉम उसे एक लेटर थॉमस वेन को पोस्ट करने को बोलती है। आर्थर जब वो लेटर ओपन करता है तो उसमें लिखा होता है कि आर्थर थॉमस वेन का ही बेटा है और पैनी थॉमस को लेटर में बोलती है कि उसके बेटे को हेल्प की जरूरत है। जहां आर्थर पहले अपनी माँ पर गुस्सा करता है कि उसने ये बात उससे क्यों छुपाई,
लेकिन फिर पैनी आर्थर को बोलती है कि थॉमस वेन एक पावरफुल इंसान है और पैनी और थॉमस एक दूसरे से प्यार करते थे, पर वो ये बात समाज के सामने नहीं ला सकते थे और पैनी ने लेटर पर साइन करके भी दिया था कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। आर्थर थॉमस वेन के घर जाता है। वहां आर्थर छोटे ब्रूस वेन यानी हमारे बैटमैन से मिलता है। वो उसे मैजिक ट्रिक दिखाकर खुश करने की कोशिश करता है और तभी वहां एल्फ्रेड आ जाता है जो ब्रूस को अनजान इंसान से दूर करता है। आर्थर एल्फ्रेड को बोलता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ और मेरी माँ पैनी फ्लैक ने यहाँ 30 साल काम किया था। उसी दौरान एल्फ्रेड उसे वहां से जाने को बोलता है और पुलिस बुलाने की धमकी भी देता है। आर्थर उसे बोलता है कि वह थॉमस वेन को मिलना चाहता है। एल्फ्रेड के मना करने पर आर्थर एल्फ्रेड को बताता है कि वह जानता है कि थॉमस वेन उसका बाप है। एल्फ्रेड आर्थर को बोलता है कि उसकी माँ पैनी एक पागल है और उसने ये मनगढ़ंत बातें बनाई हैं कि थॉमस वेन उसके बाप हैं। आर्थर एल्फ्रेड का गला पकड़ लेता है क्योंकि उसने उसकी माँ के बारे में गलत बोला है और फिर आर्थर वहां से भाग जाता है। जब आर्थर घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी माँ को एम्बुलेंस में लेकर जा रहे हैं। उसकी माँ को स्ट्रोक आया होता है। आर्थर बहुत दुखी और परेशान हो जाता है। तभी वहां डिटेक्टिव वेन और बर्क आते हैं और वो आर्थर से उन 3 मर्डर्स के बारे में पूछते हैं। आर्थर इस बारे में कुछ भी पता होने से इनकार कर देता है और आर्थर को यह भी पता चलता है कि इन डिटेक्टिव्स ने जब उसकी माँ से पूछताछ की थी तभी उसकी माँ को स्ट्रोक आया था। डिटेक्टिव उस गन की भी बात करते हैं जिस कारण आर्थर को जॉब से निकाला गया था और फिर वो आर्थर की बीमारी का भी मजाक उड़ाते हैं। फिर आर्थर अपनी माँ के पास चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि आर्थर के साथ सोफी भी बैठी होती है। इसके बाद टीवी पर मरे का शो स्टार्ट हो जाता है और उसमें आर्थर का एक वीडियो क्लिप दिखाया जाता है। मरे शो में आर्थर का मजाक बनाकर पब्लिक को हंसाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि आर्थर इस बात से और दुखी हो जाता है। जिस मरे को वो फादर फिगर मानता था वो उसकी कंडीशन का मजाक बना रहा था। मरे अपने फायदे के लिए वैसी ही घटिया हरकत कर रहा था जैसे दूसरे लोग करते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शहर के हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। शहर में कई जगह प्रदर्शन और दंगे हो रहे हैं और जो लोग दंगा कर रहे हैं उन लोगों ने जोकर का मास्क पहना होता है। ये लोग अमीरों के खिलाफ या यूं कहें उनकी ज्यादतियों के खिलाफ अब विद्रोह कर रहे होते हैं। ये सब देखकर आर्थर बहुत खुश होता है क्योंकि ये लोग जोकर से इंस्पायर थे और आर्थर ही वो जोकर था। आर्थर इस बात से बहुत खुश था कि वो इन सब का हीरो बन गया है। इसके बाद एक थिएटर का सीन दिखाया जाता है जिसमें चार्ली चैपलिन की मूवी चल रही होती है जिसका नाम मॉडर्न टाउन होता है और थिएटर के अंदर शहर के रईस लोग ये मूवी देख रहे होते हैं। थिएटर के बाद कई लोग जोकर का मास्क पहनकर इन रईसों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे होते हैं। ये लोग मैं भी जोकर बोलकर चिल्ला रहे होते हैं और आर्थर ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। उसी दौरान सिक्योरिटी वालों से प्रदर्शन वालों की झड़प हो जाती है और इस बात का फायदा उठाकर आर्थर चुपके से उस थिएटर के अंदर चला जाता है। आर्थर थिएटर के अंदर थॉमस वेन को देखता है और उसके पीछे पीछे वॉशरूम में जाता है। आर्थर वहां थॉमस वेन को बोलता है कि वो उसका और पैनी फ्लेक का बेटा है। यहाँ थॉमस आर्थर से बहुत ही बेरुखी से बात करता है। थॉमस बोलता है कि वो उसका बाप नहीं है, उसे गोद लिया गया था और उसकी माँ पागल है। थॉमस उसे ये भी बोलता है कि जब तुम बच्चे थे तुम्हें भी आर्कम हॉस्पिटल भेजा गया था। आर्थर आपा खो देता है। वो थॉमस को बोलता है कि तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, तुम लोगों में इंसानियत क्यों खत्म हो रही है। ये बातें आर्थर थॉमस और अमीरों के लिए बोल रहा होता है और फिर आर्थर को अचानक हंसी आने लगती है। थॉमस आर्थर को एक पंच मारता है और वहां से जाते हुए बोलता है कि अगर नेक्स्ट टाइम तुमने मेरे बच्चे को टच किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और फिर वो आर्थर को उस थिएटर से बाहर फेंकवा देता है। लेकिन ये सीन मूवी में नहीं दिखाया गया था, ये सिर्फ मूवी के फर्स्ट ट्रेलर में ही था। यहाँ आर्थर मेंटली इतना हर्ट हो जाता है कि वो खुद को रेफ्रिजरेटर में बंद करके फिजिकली हर्ट करता है। उसी दौरान आर्थर के फोन पर एक मैसेज आ रहा होता है जिसमें डिटेक्टिव उसे मर्डर के सिलसिले में मिलना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आर्थर को मरे शो से कॉल आता है और लास्ट वीक जो उसका वीडियो क्लिप दिखाया गया था उससे इस शो की TRP बढ़ जाने के कारण आर्थर को वो शो में एज अ गेस्ट इन्वाइट कर रहे होते हैं।
इसके बाद आर्थर आर्कम असाइलम जाता है और वहां जाकर क्लर्क से अजीब बातें करता है। वो उससे पूछता है इस असाइलम में सब पागल हैं या क्रिमिनल्स भी हैं, और वह ये भी बताता है कि उसने 3 लोगों को हर्ट किया था और इस बात का उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। क्लर्क आर्थर को बोलता है कि उसे डॉक्टर की जरूरत है, उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यहां हम देखते हैं कि क्लर्क पैनी की फाइल में जब यह देखता है कि उसमें यह लिखा है कि उसने उसके बेटे को नुकसान पहुंचाया है, तो वो आर्थर को फाइल देने से मना कर देता है। आर्थर उससे फाइल छीनकर भाग जाता है, जिसमें पैनी के पर्सनालिटी डिसऑर्डर, हिंसक बर्ताव और अडॉप्शन के पेपर्स होते हैं। इस फाइल में यह भी लिखा होता है कि पैनी का बॉयफ्रेंड उसके बच्चे के सामने उसे अब्यूज करता था और इस कारण उसके बच्चे के सर पर चोट भी लगी थी। यहां हम पैनी के यंगर वर्जन को देखते हैं, जिसमें वो सवाल पूछे जाने पर बताती है कि थॉमस सच छुपाने के लिए यह झूठ बना रहा है। इससे यह साफ पता चलता है कि पेपर्स झूठे बनवाए गए थे। एक अमीर इंसान अपने ऑफिस में काम करने वाली एक मामूली औरत से उसके संबंध और बच्चे हो जाने पर झूठे पेपर्स तो आसानी से ही बनवा लेगा। यदि पैनी मेंटली डिस्टर्ब थी तो उसे बच्चा अडॉप्ट कैसे करने दिया गया? पैनी के फाइनेंशियली पुअर और मेंटली डिस्टर्ब होने के बावजूद भी वो बच्चा पूरे टाइम के लिए उसके साथ ही था। हम वापस चोरी पर आते हैं। आर्थर जब ये पेपर्स देखता है तो बिल्कुल टूट जाता है। जब उसे यह पता चलता है कि पूरी दुनिया में उसकी सबसे अजीज चीज उसकी माँ भी उसकी असली माँ नहीं है। आर्थर सीधा सोफी के घर जाता है, पर सोफी उसे देखकर डर जाती है और उसे वहां से जाने की रिक्वेस्ट करती है। यहां हमें पता चलता है कि सोफी आर्थर की गर्लफ्रेंड नहीं थी, बल्कि ये सब सिर्फ आर्थर की इमेजिनेशन थी। ऐसा ही कुछ हमने स्टार्ट में भी देखा था जब वो मरे शो देख रहा था। मरे उसे स्टेज पर बुलाता है और बोलता है कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन आर्थर जैसा बेटा नहीं है। ये सब आर्थर ने इमेजिन किया था। फिर हम देखते हैं कि आर्थर वहां से निकलकर अपने अपार्टमेंट जाता है और वहां जाकर उसे पुलिस और एम्बुलेंस के सायरन की आवाज आती है। ये इस बात का भी साइन हो सकता है कि शायद आर्थर ने सोफी को मार दिया है। नेक्स्ट सीन में आर्थर हॉस्पिटल में अपनी माँ के पास होता है और उसे भी मार देता है। फिर हम देखते हैं कि आर्थर जोकर का मेकअप कर रहा होता है और उसे उसकी माँ की तस्वीर मिलती है, जिसके पीछे थॉमस उसकी माँ की स्माइल की तारीफ कर रहा होता है। तभी वहां रैंडल और गैरी आते हैं। ये दोनों पैनी की डेथ पर शोक जताते हैं। रैंडल वहां उन 3 मर्डर्स और आर्थर से हुई छानबीन की बात छेड़ता है। तभी आर्थर उसका ब्रूटली मर्डर कर देता है। आर्थर गैरी को जाने देता है। वो उसे बोलता है कि सिर्फ तुम ही हो जिसने उससे अच्छे से व्यवहार किया था। इसके बाद आर्थर जोकर के फुल गेटअप में मरे शो में जाने के लिए निकलता है। आर्थर इस सिचुएशन को डांस कर एंजॉय कर रहा होता है कि तभी आर्थर को डिटेक्टिव बर्ग और गैरी पीछे से आवाज लगाते हैं। आर्थर ट्रेन के अंदर जाता है और उसके पीछे डिटेक्टिव्स भी। ट्रेन में सब लोगों ने जोकर का मास्क पहना होता है। ये वो लोग होते हैं जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे होते हैं। डिटेक्टिव्स का इन लोगों के बीच आर्थर को ढूंढ पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तभी डिटेक्टिव से अचानक गोली चल जाती है और एक प्रदर्शनकारी मर जाता है। लोगों की भीड़ गुस्से में डिटेक्टिव्स को मारने लगती है और आर्थर चोरी से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में आर्थर अपने मेकअप रूम में न्यूज देख रहा होता है। न्यूज में दिखाया जाता है कि 2 डिटेक्टिव्स गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और वहां मरे आता है। मरे आर्थर को जोकर के गेटअप में देखकर उससे पूछता है कि क्या वो भी प्रोटेस्ट कर रहा है। आर्थर मरे से रिक्वेस्ट करता है कि जब वो उसे शो में इंट्रोड्यूस करे तो जोकर के नाम से करे। इंट्रोडक्शन के बाद मरे आर्थर से जोकर का गेटअप करने का रीजन पूछता है, तो वो बोलता है कि ये मैंने लोगों को हंसाने के लिए किया है। आर्थर शो में बताता है कि वैन एंटरप्राइजेस के 3 एम्प्लॉयज को भी उसने ही मारा है, क्योंकि वो इसी लायक थे। लेकिन इन लोगों को मारना भी एक जोक था, क्योंकि उनके मरने पर थॉमस ने टीवी पर आकर बोला कि उनकी मौत सबके लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन मैं मर जाऊं तो किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो यह भी कहता है कि सोसाइटी बहुत घटिया हो चुकी है।
गरीबों को रोज कुचला जाता है, सिर्फ अमीरों की परेशानियां मायने रखती हैं, और सबको सिर्फ अपने फायदे की पड़ी है, और तुमने भी हंसने के लिए मेरे वीडियोस का इस्तेमाल किया था। आर्थर मरे को भी शो में ही गोली मार देता है। नेक्स्ट सीन में पुलिस जब आर्थर को ले जा रही होती है तो शहर के हालात और खराब होते हैं। प्रदर्शनकारी पूरे शहर में लूटपाट और तोड़फोड़ मचा देते हैं। आर्थर के सपोर्टर्स एक एम्बुलेंस से पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारकर उसे छुड़ा लेते हैं। आर्थर एक गाड़ी पर चढ़ जाता है और अपने ब्लड से अपने चेहरे पर स्माइल बनाता है। आर्थर के सपोर्टर्स उसके चारों ओर जोर जोर से नारे लगाते हैं। अपनी लाइफ से जूझने वाला और हमेशा स्ट्रगल करने वाला आर्थर अब लाखों लोगों का हीरो बन जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं थॉमस वेन अपनी वाइफ और छोटे ब्रूस वेन्स के साथ थिएटर से बाहर निकल रहा होता है। तभी जोकर का मास्क पहने एक आदमी थॉमस वेन्स और उसकी पत्नी को गोली मार देता है। मूवी के लास्ट सीन में आर्थर मेंटल असाइलम में होता है और साइकोलॉजिस्ट के सामने हंस रहा होता है। साइकोलॉजिस्ट उसके हंसने की वजह पूछती है तो आर्थर बोलता है कि वो नहीं समझेगी। और फिर ब्रूस वेन्स को उसके पेरेंट्स की डेड बॉडी के साथ दिखाया जाता है। वो अकेला वहां खड़ा होता है और यहीं से बैटमैन की कहानी शुरू होती है। यहां आर्थर की हंसी के दो कारण हो सकते हैं। पहला ये कि वो मर्डर्स को एंजॉय करता है, इसलिए थॉमस वेन और उसकी पत्नी का मर्डर उसके लिए कॉमेडी था और उसे वही मिला जो वो डिजर्व करता था। और दूसरा ये कि इन दोनों की मौत के बाद ब्रूस वेन बैटमैन बना और इसलिए आर्थर ही बैटमैन के ओरिजिन का कारण बना है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे राज द बैटमैन मूवी में खुल जाएंगे। जोकर मूवी हमें आज के समाज का असली चेहरा दिखाती है, जहां एक कमजोर व्यक्ति का हमेशा शोषण होता है और जब उसके जख्म नासूर बन जाते हैं तो पूरे समाज को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस मूवी का ओपन एंडिंग रखा है। उसने लोगों पर छोड़ा है और उनकी समझ पर कि वो इस मूवी को देख के क्या निर्णय लेते हैं और क्या सोचते हैं। हॉलीवुड डायरी की तरफ से जोकर मूवी का ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। जोकर मूवी की इस एक्सप्लेनेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर लिखें। यदि आपने हॉलीवुड डायरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, और जी हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर इंसान को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, फाइनेंशली स्ट्रांग हो या पुअर, उसे सम्मान देना चाहिए ताकि ये समाज एक बेहतर जगह बन पाए। गुड बाय।